वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्य सो सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु तुला राशिवारों सोमवार का दिन पाँच सितंबर प्रतियोग मूल नक्षत्र केतु और बृहस्पति रात्रि आठ बजकर छः मिनट तक उसके बाद पूर्वा साढ़ा नक्षत्र का शुक्र और चंद्रमा आज का दिन केतु आपके लिए बड़ा शुभ है क्योंकि केतु का नवांश आज बृहस्पति के प्रभाव में है केतु इस समय बृहस्पति के प्रभाव में गोचर कर रहा है केतु का गोचर विशाखा नक्षत्र में है केतु पर जब बृहस्पति का प्रभाव होता है केतु बृहस्पति के प्रभाव से आपके जीवन में शुभ फल देता है आज आपकी कुंडली में केतु बृहस्पति शुक्र का प्रभाव राहु की छाया मंगल और सूर्य की दृष्टि है तुला राशि वालों के लिए केतु आज आपकी कुंडली के लग्न में गोचर कर रहा है लग्न में बैठा केतु आज बृहस्पति के प्रभाव से प्रभावित है केतु आपके लिए शुभ फल देने वाला योग बना रहा है केतु के, के चतुर्थ भाव में शनि और केतु के एकादश भाव में सूर्य का गोचर है यानी केतु के मित्रग्रह शनि केतु के सुख स्थान में बैठे हैं और शुक्र केतु के लाभ स्थान में जब ऐसा योग बनता है तो आप धनवान बनते हैं मान प्रतिष्ठा पाते हैं आपकी मेहनत तरक्की देती है जीवन में सुख और समृद्धि आपकी बढ़ती है वहीं बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति का नमांश इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के प्रभाव से प्रभावित है और बृहस्पति के तृतीय भाव में मंगल बैठा है बृहस्पति आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहा है कर्मों का फल शनि देता है और बृहस्पति के नवांश में शनि का गोचर है यानी बृहस्पति नौकरी का अवसर देगा जीवन में आगे बढ़ने का साहस देगा बृहस्पति की स्थिति आपके जीवन को प्रभावित करेगी और आपका जीवन सुंदर और जीवन में सुख संपत्ति बढ़ेगा बृहस्पति जिसके पराक्रम में मंगल बैठा है धनेश है धन का स्वामी है आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होती है तो मंगल आपको धन देता है धन का संचय करने में आपकी सहायता करता है वहीं शुक्र की बात करें तो शुक्र मघा नक्षत्र में केतु के नवांश में है धन बुद्ध देगा पराक्रम केतु देगा और भाग्य राहु संवार शुक्र का प्रभाव आपके लिए ऐसा ही है खुशी मनाएं खुश हो जाएं कि आपकी कुंडली में केतु बृहस्पति शुक्र का प्रभाव आज बड़ा शुभ है मूल नक्षत्र का स्वामी केतु और पूर्व साढ़ा नक्षत्र का स्वामी शुक्र आपके जीवन को इतना प्रभावित करेगा कि अपने कर्मों से जीवन का सुख आप प्राप्त करेंगे अपने सपनों को आप पूरा कर सकते हैं आपके अंदर गजब सा आकर्षण होगा क्योंकि इस समय आपकी कुंडली के लग्न में केतु बैठा है आपकी कुंडली के सप्तम भाव में राहु का गोचर है अष्टम भाव में मंगल का गोचर सुख स्थान में शनि छठे भाव में बृहस्पति आपकी कुंडली के लाभ स्थान में शुक्र और सूर्य द्वादश में बुद्ध का गोचर है सूर्य का गोचर जब लाभ स्थान में होता है तो तुला राशि के जीवन में लाभ होता है किस्मत का सितारा चमकता है भाग्योदय आरंभ हो जाती है शुभ समाचार मिलता है बड़ी सफलता का योग बनता है स्थिति बेहतर होती है जीवन में किसी नए काम की शुरुआत करते हैं बड़ी उपलब्धि और मनोकामना की पूर्ति आपके जीवन में होती है जीवन की परिस्थिति स्थिति बदलती है आपके जीवन के जो कष्ट बाधा हैं वो समाप्त होते हैं सौभाग्य बढ़ता है आप भाग्यशाली होते हैं तो तुला वालों केतु बृहस्पति शुक्र आज आपके जीवन में बड़े लाभ के अवसर लाएंगे लाभ कैसे अर्जित करना है धन कैसे कमाना है आपको पता है अपनी मेहनत से सफलता की बुलंदी पर आप पहुंच सकते हैं अपने हिम्मत और लग्न से जीवन में सफलता कामयाबी के झंडे आप गाड़ सकते हैं तो जितना मेहनत करेंगे भाग्य उतना ही साथ देगा आपके जीवन में भरपूर सुख है और सफलता का योग है ये जो समय है आपके लिए बड़ा भाग्यशाली है स्टूडेंट के लिए जीवन में अगर बड़ी सफलता पानी है अपनी स्थिति को बेहतर करना है तो आप अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें क्योंकि ये समय उपलब्धि तरक्की का है जितना पढ़ेंगे उससे अच्छा परिणाम पाएंगे आपके जीवन में तरक्की का योग है जो आपके जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएगा आपके लिए लाभ तरक्की का योग लाएगा जीवन में खुशियाँ बढ़ेगी रोज़गार के साधन मिलेंगे धन कमाने का अवसर प्राप्त करेंगे जो लोग नौकरी करते हैं जो नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं उनके जीवन में अच्छा क्षण है ऐसे समय में आप कहीं अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव रिस्पांस आएगा इंटरव्यू देंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आप प्राप्त करेंगे क्योंकि इस समय लग्न में जो केतु बैठा है मूल नक्षत्र में आपको प्रभावित कर रहा है आपका व्यक्तित्व केतु के आसपास घूम रहा है जिससे आपके जीवन में तरक्की उन्नति की संभावना और सुख का योग है आज आपकी सप्तम भाव में राहु का गोचर है अचानक जीवन में सुख है वैवाहिक जीवन में लाभ का योग है जीवनसाथी से आपके संबंध अच्छे होंगे विश्वास होगा जीवन की परेशानी खत्म होगी निराशा खत्म होंगे और परिवार में खुशी समृद्धि आप प्राप्त करेंगे अपने भाग्य से अपने कार्य से जीवन में उत्साह से आप आगे बढ़ेंगे समय आपके लिए बड़े लाभ के अवसर लाएगा आपके सोए हुए किस्मत को जगाएगा आज मंगल सूर्य की दृष्टि है मंगल धनेश हो के अष्टम भाव में बैठा है और सूर्य लाभ स्थान में राहु की छाया है यानी जीवन सफल होगा मेहनत का परिणाम मिलेगा आपके जीवन की बाधाएं समाप्त होगी हौसला बना के रखें अपने धैर्य को खोने न दें साहस का परिचय दें तो परिस्थिति तेजी से बदलेगी समस्याओं का समाधान होगा आपके लिए लाभ का योग बनेगा मनचाही सफलता और जीवन में है आपके अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम आप प्राप्त करेंगे क्योंकि आज आपकी कुंडली में केतु बृहस्पति का प्रभाव बड़ा शुभ है वहीं शुक्र आपकी जीवन की स्थिति को संवार रहा है इस समय आपकी कुंडली के पराक्रम स्थान में चंद्रमा बैठा है चंद्रमा जो साहस देता है शक्ति देता है जिसकी दृष्टि आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पर है चंद्रमा आपके लिए कर्म स्थान का स्वामी है आपका भाग्य आपके कर्मों से बदलेगा आपका भाग्य आपके मेहनत से बदलेगा तो आज आप मेहनत करते जाएं जीवन सुख धन देता जाएगा बड़ी तरक्की उन्नति समृद्धि सौभाग्य का योग है आपके लिए भाग्य बड़ा सुंदर है तुला राशि वालों जब ऐसा योग बनता है तो आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ती है प्यार बढ़ता है प्रभावशाली होते हैं संतुष्टि बढ़ती है समृद्धि बढ़ता है सफलता प्राप्त होती है आपका रुतवा बढ़ता है आपकी छवि निखरती है जीवन में खुशियाँ बढ़ती है क्षमता एक नया पहचान देता है नई ऊर्जा उत्साहित करता है यानी जीवन तेजी से आगे बढ़ता है मन का विश्वास आपके कर्मों का फल जीवन में नई संभावना को जन्म देती है उन्नति तरक्की समृद्धि का योग है तुला राशि वालों आज भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है प्रति योग है यानी जीवन में सुख अवश्य प्राप्त होगा आज का ब्रह्म मुहूर्त चार बजकर तीस मिनट से पाँच बजकर सोलह मिनट ब्रह्म मुहूर्त में केतु के प्रभाव आपके व्यक्तित्व को निखारेगा लग्न में बैठा केतु शुक्र बुद्ध शनि का मित्र है और शुक्र के मित्र राहु बुद्ध शनि है आपकी कुंडली में बुद्ध राहु और शनि की स्थिति केतु का प्रभाव शुभ फल लेकर आएगा तो दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी तरक्की उन्नति का योग है मेहनत करते जाएं भाग्य बदलता जाएगा अभिजीत मुहूर्त ग्यारह बजकर चौवन मिनट से बारह बजकर पैंतालीस मिनट का समय सूर्य की दृष्टि राहु की छाया और बृहस्पति का प्रभाव जीवन में आगे बढ़ने का अवसर जीवन में सुख कमाने की चाहत आपकी पूरी होगी ये समय संतान की उन्नति करता है अच्छे अच्छे अवसर देता है जीवन के कष्टों से बचाता है आपको प्रभावशाली बनाता है परिवार में खुशियों को बढ़ाता है शुभ काम होता है शुभ फल की प्राप्ति होती है भाग्य अच्छा है किस्मत बदलेगी भाग्य अवश्य चमकेगा अमृतकाल दो बजकर सात मिनट से तीन बजकर सैंतीस मिनट का समय आपके लिए बेहद ही उत्साह और उमंग को बढ़ाने वाला साबित होगा क्योंकि शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर होगा ऐसे समय में परिवार में खुशी बढ़ती है गृहस्थ जीवन में संतुष्टि की प्राप्ति होती है और विजय मुहूर्त दो बजकर छब्बीस मिनट से तीन बजकर सोलह मिनट का समय आपके लिए लाभकारी होगा जिसमें आपका व्यापार अच्छा चलेगा नौकरी में तरक्की होगी अच्छे कर्मों का अच्छा फल प्राप्त करेंगे आज का राहु काल सात बजकर छत्तीस मिनट से नौ बजकर दस मिनट राहु काल के दौरान किसी भी काम का श्री गणेश ना करें दक्षिण दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें आपके लिए लकी कलर व्हाइट होगा लकी नंबर थ्री होगा तो तुला राशि वालों हनुमान जी का दर्शन करें हनुमान जी की पूजा करें जीवन में सुख भोगने का उत्तम समय आ गया है लाभकारी योग है आपके जीवन में बड़ी तरक्की का योग है ऐसे समय को अपने हाथ से ना जाने दें जीवन में खुशियाँ तभी बढ़ेगा जब आप कर्म करेंगे अपने निंद्रा से जागेंगे और कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तब आपके जीवन में मेहनत का फल मिलेगा बड़ी संपत्ति खुशखबरी और बड़ी सफलता आप प्राप्त करेंगे हनुमान जी का दर्शन करें भाग्य अच्छा है जीवन में बड़ी उपलब्धि आप प्राप्त करेंगे ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें आपका दिन शुभ हो जय श्री राम जय हनुमान